चाहे धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ छूट जाए, लेकिन कभी सनातन धर्म नहीं छूटना चाहिए। जी हां, पंडित प्रदीप मिश्रा का ये प्रवचन सुनने श्रद्धालु तेज बारिश और आंधी में भी डटे रहे। हम बता दें कि रात भर की तेज बारिश के बावजूद एकांतेश्वर महादेव कथा के छठवें दिन श्रद्धालुओं का जन सैलाब रोज की तरह उमड़ पड़ा। जबकि बता दें कि शनिवार रात से ही बारिश और तेज हवाएं चल रही थी और रविवार का दिन होने की वजह से श्रद्धालु एक दिन पहले से ही पंडाल में जमा होने लगे थे। सुबह तक तो पूरा पंडाल शिव भक्तों से भर चुका था। मौसम की बिगड़ी स्थिति और भक्तों की भारी भीड़ के मद्देनजर पंडित प्रदीप मिश्रा ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर श्रद्धालुओं से घर पर ही कथा श्रवण करने का संदेश जारी किया था। लेकिन बावजूद इसके श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ और पूरी सड़कें और पंडाल श्रद्धालुओं से भरा रहा। कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने दुकानदार एवं व्यापार का उदाहरण देते हुए कहा, जैसे हम कोई कीमती वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसके जानकार को साथ लेकर जाते हैं, जिससे हम उच्च गुणवत्ता की सही चीज ही खरीद सके। जिस प्रकार अच्छी बहुमूल्य वस्तु दिलाने में उस व्यक्ति की अहम भूमिका होती है, ठीक उसी प्रकार संत साधु और गुरु भी परमात्मा रूपी हीरे को प्राप्त करने में। इस भारी बारिश में कथा का श्रवण करने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री यहां पर शामिल हुए और शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया। बहरहाल मौसम की मार भी श्रद्धालुओं के उत्साह को कम नहीं कर पाई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।